मैं पुष्पर बीटा कोचिंग सेंटर इकदिल से। आज मैं स्क्वायर निकालना सीख रहे हैं। बहुत से बच्चों की डिमांड थी और कमेंट भी आ रहे थे वीडियो में कि सर स्क्वायर की कोई वीडियो डाली, मतलब स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो मैंने यही सोच के आज वीडियो डाली है। देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यदि कोई वीडियो में दिक्कत हो करे तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दिया करो, अगर कोई दिक्कत है तो। ठीक है, वैसे मैं वीडियो देखते रहो और चैप्टर वाइज मिलेगी वीडियो। देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं। देखो तो स्क्वायर निकालने के लिए तरीका है, पहले हम 1 से लेके 10 तक स्क्वायर लिखेंगे। देखो तो स्क्वायर का मतलब क्या है, इसमें स्क्वायर समझेंगे। स्क्वायर क्या होता है कि स्क्वायर का मतलब होता है उसका मल्टीप्लाई में उसी में करें। जैसे मैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है मैं 2 का मल्टीप्लाई 2 में करें, तो फिर क्या है, यही तो स्क्वायर है, मतलब उसी का मल्टीप्लाई में उसी में कर दूँ, इसी को बोलते हैं स्क्वायर। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब मुझे यही तो पता करना है कि अब जब 4 किसका स्क्वायर है। बस यही कमेंट आ रही थी मेरे पास कि ये मतलब स्क्वायर निकालते कैसे हैं। देखो स्क्वायर निकालने का तरीका देखो, पहले हम क्या करते हैं 1 से लेके 10 तक का स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। बस मुझे यही स्क्वायर निकालने हैं, उसके बाद कोई स्क्वायर नहीं निकालना है। अब देखो मैं क्या कर रहे हैं, अच्छा मुझे बताओ कि पीछे 1, देखो 1 कितनी जगह आ रहा है, 1 दो जगह आ रहा है, एक 1 के स्क्वायर में 1 आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में, वैसे मैं कवर कर रहा हूँ। देखो उसके बाद आप देखो कि 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, एक 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। इसे देखो ऐसे ही 9, देखो 9 3 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 7 के स्क्वायर में आ रहा है। 6 देखो एक 4 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 3 के स्क्वायर में आ रहा है। 5 ओनली 5 के में आ रहा है स्क्वायर में। ठीक है, मैं आप देखो ये मैं बना के तैयार कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब स्क्वायर देखो कैसे निकालते हैं। देखो एग्जांपल, जैसे 84 64, अब मुझे ये पता करना है कि किसका स्क्वायर है। तो देखो क्या करना है कि सबसे पहले मुझे ये देखना है कि 4 पीछे क्या है, 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है। देखो एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 8 के स्क्वायर में आ रहा है, तो मुझे लिख लेना है 2 के स्क्वायर में है और एक 8 के स्क्वायर में है। जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो कितने अंक छोड़ देते हैं, 2 अंक छोड़ देते हैं। अब मेरे पास कितने अंक बचे हैं, 2 अंक बचे हुए हैं। अब मुझे ऐसा स्क्वायर ढूंढना है मतलब 81 से ज़्यादा ना हो। जैसे 9 का स्क्वायर देखो, 9 का स्क्वायर करें तो 81 आ जाएगा, कम है। अच्छा 10 का करके देखो कितना हो जाएगा, 100, वो ज़्यादा हो गया, तो मैं कम वाला लेंगे, कितना हो गया 9। आगे कन्फर्म है कि आगे 9 ही आएगा, लेकिन पीछे मुझे कन्फर्म नहीं है 2 आएगा या 8 आएगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इससे ठीक बड़ी संख्या लेते हैं, लगी हुई संख्या, इससे बड़ी ठीक संख्या कितनी है, 10 है। 9 का मल्टीप्लाई 10 से करो, कितना हो जाएगा 90 हो गया। अब मुझे कैसे करना है कि 84, मुझे देखना है कि 84 है जो 90 से छोटे या बड़े हैं, तो 84 छोटे हैं, तो मैं संख्या कौन सी लेंगे, छोटी वाले, ये कितना हो गया 92। तो ये स्क्वायर किसका है, 92 का है। अच्छा ऐसे में एक और देखें, जैसे 11881, मुझे ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो सबसे पहले क्या करना, पीछे देखो पीछे कितना लिखा है, 1, और 1 देखो कितनी जगह आ रहा है, एक 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है, तो एक 1 के स्क्वायर में आ रहा है और एक 9 के स्क्वायर में आ रहा है। मैंने पहले बताया कि स्क्वायर में 2 अंक में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। अब मेरे पास कितने अंक बचे हुए हैं, 3 अंक बचे हुए हैं। अब मैं 3 अंक का क्या करेंगे, मैं ऐसा स्क्वायर देखेंगे जो 118 से ज़्यादा ना हो। जैसे मैं 11 का करके देखें कितना है, 11 का 121, वो ज़्यादा हो गया। अच्छा कम का करके देखो 10 का, तो 10 का करके देखो कितना 100, तो मैं कितना का 10 का ले लिया, मतलब ज़्यादा वाला लेना है कम वाला लेना है। आगे कन्फर्म है कि 10 आएगा, लेकिन पीछे नहीं कन्फर्म है कि 1 आएगा या 9 आएगा, तो उसके लिए मैं क्या करेंगे, 10 में उससे बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 में जैसे हम 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 110 हो जाएगा, 110। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे पता करना है कि 118 है वो 110 से छोटा है या बड़ा है,
तो देखो 118 बड़ा है, तो मुझे कौन सी संख्या लेनी है? 9, बड़ी वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ कितना हो गया? 109। ये किसका स्क्वायर है? 109 का। ऐसे में एक और देखो, देखते हैं 132 to 5। इसका देखो कैसे पता करते हैं, अब मुझे देखना है पीछे, पीछे देखो 5 कितनी जगह आया? ओनली 5 के स्क्वायर में आया है, एक बार 5 के स्क्वायर में। स्क्वायर में क्या करते हैं, दो अंक छोड़ देते हैं। अब मुझे पता करना है कि 132 किसके स्क्वायर में आते हैं, ऐसे पता करना है स्क्वायर मतलब 130 से ज़्यादा ना हो। तो जैसे मैं 11 का देखता हूँ, 11 का हो जाएगा 121, छोटा है। ऐसे में 12 का देखें तो 144, वो ज़्यादा हो गया, तो मैं देखेंगे 11 का। आगे कन्फर्म है कि 11 आएगा, और पीछे भी इसमें तो कन्फर्म है कि 5 है, लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं। इससे बड़ी संख्या लेते हैं 12 और मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाए 132। देखो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, तो क्या करेंगे, ये वाला बिल्कुल इससे पीछे लगा देंगे और बोले यही आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। तो आगे भी कन्फर्म है कि 11 हो गया और पीछे भी कन्फर्म है कितना 5 ही है, क्योंकि मेरे पास एक ही एक डिजिट थे इसलिए। तो इसका भी मैंने देख लिया। तो ऐसे हम निकालते हैं स्क्वायर, ठीक है।